कैसे हैं आप लोग? मैं बहुत अच्छी हूँ। आज है संडे, अभी अभी हम लोग घूम के आए और घूम के आने के बाद हम लोग एक स्पेशल सा डिनर बना रहे हैं। तो मैंने सोचा एक स्पेशल डिनर की जो वीडियो है वो मैं बना लेती हूँ। और क्या है, हम लोग बंगालीज हैं तो ज़्यादातर हम लोग मछली खाना पसंद करते हैं, सभी को पता है। हम डिनर में, लंच में सभी टाइम फिश एंड राइस, मतलब माछी झोल एंड भात बंगाली में बोलते हैं, तो वही खाना हम प्रेफर करते हैं। पर अभी क्या है, सभी लोग थोड़ा सा हेल्दी रहना स्टार्ट कर दिया है, सभी लोग ऐसे कर रहे हैं, तो थोड़ा सा रात को रोटी ज़्यादा खाते हैं लोग। हम लोग भी कभी कभी कोशिश करते हैं कि रात को एटलीस्ट हम रोटी खाएं, पर अगर फिश है घर पे, मछली के साथ रोटी अच्छा नहीं लगता है, पर अदरवाइज हम रोटी खाते हैं, सब्जी हो, चिकन हो, अंडा हो, तो रोटी खा लेते हैं उसके साथ। तो अभी थोड़ा सा स्पेशल कुछ बना रही हूँ मैं, एक्चुअली मैं नहीं बना रही हूँ, बना रही है मेरी मम्मी। और वो स्पेशल डिनर है कड़ाईशुटी कचौड़ी एंड आलू दम। बंगाली में बोलते हैं कड़ाईशुटी कचौड़ी, इसका मतलब है पीस कचौड़ी, कड़ाईशुटी बंगाली में बोलते हैं पीस को। और आलू दम मतलब तो सभी को पता है, दम आलू जो होता है वही। तो कैसे बनाती हूँ मैं वो चलिए देखते हैं। उबले हुए मटर में हम लोग डाल रहे हैं अदरक की पेस्ट, इसको ऐसे घस रहे हैं। तो मटर को हमेशा ही उबाल लीजिए, क्योंकि उबले हुए मटर में जो स्टफिंग बनता है वो बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे लोग इसको कच्चा मटर से भी बनाते हैं, पर उबले हुए मटर से अच्छा बनता है ज़्यादा। एक पैन में हमें 1.5 से 2 चम्मच के करीब ऑयल डालना है। पहले ऑयल में अभी डालेंगे हम ये पीस का जो हमने बनाया था। और पीस को हमने अदरक मिलाने के बाद थोड़ा सा मैश कर लिया है। अगर आपके पास मैशर है तो मैशर से मैश कीजिए, अगर मैशर नहीं है तो मिक्सी में आप डाल सकते हैं। पर मिक्सी में डालने से क्या होता है, बहुत ज़्यादा वो प्योरे टाइप का बन जाता है। थोड़ा सा अगर दानेदार रखेंगे तो जो मटर के स्टफिंग बनता है ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। तो ये डाल रहे हैं हम नमक, थोड़ा सा हींग ऐड कर रहे हैं इसमें, और इसके अंदर डाल रहे हैं हम एक मसाला जो हम घर से बना के लाए थे, और इसको बोलते हैं भाजा मसाला। मतलब सारे जो स्पाइसेस होता है, सारे रॉ जो स्पाइसेस होता है उसको थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करके हम लोग मिक्सी में ब्लेंड कर लेते हैं। आप इसके, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप जीरा और धनिया जो पाउडर मिलते हैं उसको थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लीजिए और उसको डाल दीजिए, करीब सेम ही आएगा टेस्ट। स्टफिंग जब बन जाए तो स्टफिंग को 1 से 2 मिनट हम ठंडा कर लेते हैं, और उसके बाद छोटे छोटे ऐसे जो नारियल के लड्डू बनते हैं ना, छोटे छोटे वैसे लड्डू की तरह हमें बना लेना है। और ये जो छोटे छोटे बॉल्स बन रहे हैं इसको ही हमें पूरी के अंदर स्टफिंग करना है। बॉल्स को अभी आप बना लीजिए, इसको ठंडा पूरा करने के बाद अगर आप बनाएंगे तो ये थोड़ा सा हार्ड हो जाता है और बनने में प्रॉब्लम आता है। तो ये है आलू दम जो बनके तैयार हो गया है, और ये नॉर्मल सा ही आलू दम है, मतलब वही जो होता है ना, अनियन, गार्लिक एंड जिंजर, जीरा, धनिया, हल्दी, लाल मिर्च जो दे के बनाते हैं ना आलू को फ्राई करके, वही। ज़्यादा कुछ नहीं डाला, बस बंगाली का एक स्पेशल जो देते हैं हम लोग वो है थोड़ा सा, इसको गैस का फ्लेम ऑफ करने के बाद थोड़ा सा हम देते हैं घी, और ये गरम मसाला आप देख सकते हैं अभी भी है, और थोड़ा सा इसमें मटर भी डाला है। बस ये हो गया है हमारा आलू दम, और हाँ थोड़ा सा टमाटर भी डाला है इसके अंदर। तो पहले एक मैदा का डो लीजिए और उसको ऐसे थोड़ा सा कटोरी टाइप बना लीजिए, और उसके अंदर ऐसे एक दे दीजिए बॉल्स को, और फिर से इसको राउंड बना लीजिए। बस सिंपल सा ही है, ऐसे ही करना है, और फिर इसको हम ले लेंगे।
फिर से दिखा रही हूँ। थोड़ा सा ऑयल लगा के फिर इसको हल्के हाथों से हमें बेल लेना है। देखिए ये जो स्टफिंग है ये बाहर नहीं आ रहे है। इस तरह से सारे बेल लीजिए और फिर इसको फ्राई करना है। मेरी मम्मी बनाती है। वो क्या है, वो एक डिजर्ट काइंड ऑफ चीज है, मतलब दूध में मैदा सूजी और राइस फ्लावर को इक्वल क्वांटिटी में लेके थोड़ा सा उसका डो बनाना पड़ता है और उस डो के अंदर नारियल का जो गुड़ होता है ना, मतलब नारियल और गुड़ का जो स्टफिंग बनाते हैं हम लोग, सभी को आता है, वो देकर थोड़ा सा एक मोमो टाइप शेप देके उसको रख देते हैं साइड करके, और दूध जब उबल रहा होता है उसको डाल देते हैं और 10 से 15 मिनट उसको उबालते हैं। फिर उस दूध में ही हम थोड़ा सा जैगरी डाल देते हैं और फिर दूध जब तक ना गाढ़ा होता है तब तक उसको कुक करता है, बस हो जाता है। उसको बोलते हैं पूली पीछे, और वो भी है 2 दिन पहले बनाया था मेरी मम्मी ने। और बस यही है हमारा स्पेशल डिनर। और आपको ये वीडियो कैसे लगी मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके, और अगर आप मेरे चैनल पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब करने के बाद पास में जो बेल बटन है उसको क्लिक कर देना, नहीं तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी जब मैं वीडियो अपलोड करूँगी, और ये बिल्कुल मुफ्त है। तो चलिए देखते रहिए आप मेरे वीडियो, तब तक के लिए बाय, स्टे ट्यून्ड, गुड नाइट।